रिकॉर्ड का मतलब ठीक है। तो हम लोग जो लास्ट में देख रहे टॉपिक थे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, हम लोग कंप्लीट ना इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फायरिंग सिस्टम रहेगा डिपेंड करेगा किस पे, कम्प्लीटली इट विल डिपेंड्स अपॉन द, मैं इसको होस्ट बना रहा हूँ और मैं वहाँ से डेस्कटॉप से अपना ये कर रहा हूँ। ये भी स्क्रीन में दिखते हैं बन गया है। अच्छा ये बन गया, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। मुझे अभी एक काम करना पड़ेगा स्क्रीन के लिए। ओके स्क्रीन पहले डेस्कटॉप खोल कर रखा हुआ। मैं गूगल क्लास में नोट्स डालते जा रहा हूँ, यू शुड बी गोइंग थ्रू दैट्स नोट्स आल्सो। जो नोट्स में डालते जा रहा हूँ उसको एक बार पढ़ने के लिए मैं तुमको दिया हूँ, उसको पढ़ो। अगर तुम्हारे पास कोई बुक्स है ऑटोमैन का डेफिनेटली रेफरेंस ऑफ दैट बुक आल्सो, बिकॉज मैं नोट्स बनाता दैट इज रेफरेंस। अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ दैट नोट्स फॉर स्टडी। लेकिन हमारे पास अगर बुक्स है तो डेफिनेटली वी शुड गो थ्रू द बुक्स ऑल्सो, कि हमें और डिटेल्स जानकारी के लिए बुक्स को एक बार पढ़ के देखना चाहिए इफ़ यू हैविंग द सम टाइम टू लर्न दैट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है सो यू कैन टेक एज ए नोट, जितना पढ़ा है नोट्स में जितना उतना काफ़ी होता है, लेकिन अगर तुम अपने बुक्स में जाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेटिंग द मोर नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। तो मैं क्लास का शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन वेयर इज द देखेंगे। ये रहा हम लोग का जो टॉपिक था, अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सीधा इग्निशन सिस्टम के बाद जा रहे हैं फायरिंग सिस्टम पे। मुझे पता है कि जो स्पार्क का जरूरत पड़ेगा वो पड़ेगा SI में, दैट इज स्पार्क इग्निशन सिस्टम में जरूरत पड़ेगा, ना कि कार्बोरेशन में, क्योंकि कार्बोरेशन का सिस्टम में कोई स्पार्क का जरूरत नहीं पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे जो बैटरी सिस्टम जरूरत पड़ेगा, दैट इज ए बैटरी इग्निशन सिस्टम जरूरत पड़ेगा। इग्निशन सिस्टम मेरा सिर्फ SI इंजन के लिए अप्लीकेबल रहेगा, CI के लिए नहीं रहेगा। सो डेफिनेटली हमारा टॉपिक जो है कंसाइज होकर हो जाता है सिर्फ फोकस्ड SI इंजन पे। तो हम लोग देखते हैं क्या है इग्निशन सिस्टम में। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल इंजन यूजेस द इग्निशन सिस्टम, दैट इज पेट्रोल इंजन या SI इंजन बोलो, उसमें क्या यूज हो रहा है, हमारा इग्निशन सिस्टम होगा। डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल में होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो अगर मैं इग्निशन सिस्टम की जब बात करूंगा कि राइट द नोट्स ऑन इग्निशन सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, सो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द नोट्स बाय सेइंग दैट द पेट्रोल इंजन इज हैविंग द बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड इन डीजल वी आर हैविंग द फ्यूल सप्लाई सिस्टम फॉर द इग्निशन। सो दीज आर द टू मेन पैरामीटर्स फॉर इग्निशन सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं पेट्रोल इग्निशन सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है एक तरह का, सेकेंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता है, और एक इंजेक्शन सिस्टम है जो कि ये कम्प्लीटली है। बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, ये दो मेन चीजें हैं। और इंजेक्शन सिस्टम जो है फ्यूल, यहाँ पे करना चाहिए मुझे था, यहाँ पे आएगा एक्चुअली, यहाँ आना चाहिए। तो ये रहेगा, ये था। अब हम लोग देखते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या क्या चीजें आता है। इसका डायग्राम मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया, जो कि मैं बोलना चाह रहा था कि आई हैव नॉट इंक्लूडेड द नोट्स डायग्राम द नोट्स, तो मैंने वो नोट्स को थोड़ा सा इसमें वो डायग्राम इंक्लूड नहीं किया, दैट इज माय मिस्टेक। व्हिच वाज आई सेइंग दैट कुछ मिस कर दिया मैंने, वो डायग्राम मिस किया मैंने। इसमें इग्निशन सिस्टम का, बैटरी इग्निशन सिस्टम का डायग्राम मैंने इसमें नहीं दिया, सो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द डायग्राम इन दिस नोट्स एंड आई विल पब्लिश इट अगेन इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में मैं सिर्फ नोट्स में सिर्फ डायग्राम डालूंगा और उसको मैं अलाउ कर दूंगा। तो ये रहा हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम क्या होता है। पहला है प्राइमरी इग्निशन सर्किट, जो कि लो मतलब हमारा जो प्राइमरी इग्निशन सर्किट है बैटरी में मेरा कितना 12 वोल्ट 24 वोल्ट का होता है। अगर मैं बैटरी देखता हूँ तो बैटरी में होता है 12 वोल्ट 24 वोल्ट, जो कि प्राइमरी इग्निशन कॉइल ही लेगा, मतलब प्राइमरी इग्निशन सर्किट जो है लो वोल्टेज वो लेगा। फिर ये बैटरी रहेगा उसमें इग्निशन सिस्टम का मैं पार्ट देख रहा हूँ, फिर SI सिस्टम में मेरा क्या क्या इग्निशन सिस्टम का पार्ट है देखता हूँ। प्राइमरी इग्निशन कॉइल है, दैट सर्किट है,
बैटरी है, इग्निशन स्विच है जो सेल्फ स्टार्ट बोलते हो, स्टार्ट स्विच, या हम लोग कार में जो चाबी लगा के इग्निशन स्विच मार रहे हैं, ये इग्निशन स्विच लगेगा। फिर मुझे प्राइमरी वाइंडिंग कॉइल लगेगा, कॉन्टैक्ट ब्रेकर चाहिए होगा। कॉन्टैक्ट ब्रेकर मतलब जहाँ से करंट को मुझे पास करवाना होगा दोनों के बीच में। कैपेसिटर का जो पड़ेगा जहाँ पे चार्ज को स्टोर करेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। सेकेंडरी इग्निशन सर्किट चाहिए होगा, मतलब सेकेंडरी इग्निशन सर्किट्स में जो कि हाई वोल्टेज को ले जा सके, जो 24 वोल्ट को 1200 वोल्ट या 2400 वोल्ट पे ले जा सके। मतलब मेरा बैटरी सप्लाई कर रहा है सिर्फ कितना 12 से 24 वोल्ट, बट वी हैव टू इंक्रीज दिस वोल्टेज फ्रॉम 12 टू 24 वोल्टेज से लेकर मुझे 2400 वोल्ट तक जाना पड़ता है। तो ये कम्प्लीटली इतना बड़ा वोल्टेज का इंक्रीमेंट करना है तो आई नीड द सेकेंडरी इग्निशन सर्किट, और उसके लिए मुझे सेकेंडरी कॉइल्स का जरूरत पड़ेगा, सेकेंडरी कॉइल पड़ेगा जरूरत, और डिस्ट्रीब्यूटर पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जो हर एक स्पार्क प्लग जो इंजन के ऊपर हर एक स्पार्क प्लग जो लगा हुआ है उसको वो टाइमिंग के हिसाब से वो करंट को सप्लाई करना चाहिए। मतलब इंजन वन, इंजन टू, इंजन थ्री, सभी में स्पार्क प्लग वन, स्पार्क प्लग टू, और किस फायरिंग ऑर्डर्स में जा रहा है उसी फायरिंग ऑर्डर्स में ये इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई होना चाहिए इंजन्स में। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके समझना चाहेंगे कि ये फायरिंग ऑर्डर्स के साथ में मेरा बैटरी इग्निशन सिस्टम कैसे काम करेगा। मतलब फायरिंग मेरा चल रहा है उस टाइम पे मेरा स्पार्क जनरेट होना चाहिए स्पार्क प्लग में, लेकिन उसके लिए करंट भी उसी टाइमिंग पे आना चाहिए। मतलब टाइमिंग ऑफ करंट सप्लाई एंड द स्पार्क जनरेशन दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन में चलना चाहिए। उसके लिए मेरा ये सभी चीजों का रिक्वायरमेंट है। इग्निशन सिस्टम की जब बात करेंगे तो वी विल हैव अ प्राइमरी इग्निशन सर्किट सिस्टम, बैटरी, इग्निशन स्विच, प्राइमरी कॉइल, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कैपेसिटर्स, सेकेंडरी इग्निशन सर्किट, सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूटर कैप या रोटर इसको बोलते हैं। ये मेरा चीजें का रिक्वायरमेंट है। सो वी विल गो थ्रू द सिंगल सिंगल नोट्स। इसके एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट इज फंक्शनिंग। इसके साथ स्पार्क प्लग एंड स्पार्क प्लग का वायर है, स्पार्क प्लग इसके साथ है। थोड़ा सा यहाँ पे एक और नोट्स में गलती हो रहा है, जो कि यहाँ पे ये मैंने दो दो बार चीजें को लिखा हूँ कि जैसे इग्निशन सिस्टम जो एक मैग्नेटिक सिस्टम है, एक डायनोमीटर है, डायनेमो सिस्टम है। दो तरह के इग्निशन सिस्टम हम लोग पढ़े थे। हम लोग अगर यहाँ पे नोट्स को देखेंगे तो वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, बैटरी इग्निशन सिस्टम और एक है मैग्नेटो सिस्टम। यहाँ पे हम दो देख रहे पेट्रोल इंजन में, तो दोनों पेट्रोल इंजन का दोनों सिस्टम्स को इग्निशन सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं। एक मैग्नेटो सिस्टम का यहाँ पे कुछ पार्ट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर मैग्नेटो सिस्टम लेंगे तो ये सब चीजें लगेगा, दैट इज मैग्नेटो सिस्टम क्या लगेगा, स्विच डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा, कॉन्टेक्ट ब्रेक लगेगा, वायल मैग्नेटो कंडेंसर लगेगा, पावर जनरेशन लगेगा, स्पार्क जनरेशन लगेगा और मैग्नेटो यूनिट आर्म लगेगा। ये किसके लिए था, मैग्नेटो सिस्टम के। ये मैग्नेटो सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब हम लोग सेकंड सिस्टम जब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज बैटरी इग्निशन सिस्टम, दैट इज डायनेमो के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो डायनेमो में क्या हो रहा है या अल्टरनेटर में क्या हो रहा है, उसमें एक डायनेमो चाहिए होता है या अल्टरनेटर चाहिए होगा मुझे। इसमें भी सेम सर्किट ब्रेकर इसमें भी चाहिए, कॉन्टैक्ट ब्रेकर इसमें भी चाहिए, इसमें कॉइल इग्निशन स्विच चाहिए, इसमें स्विच का जरूरत पड़ रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो है, प्राइमरी वाइंडिंग का जो है, और बैटरी चाहिए होगा, कंडेंसर और बैटरी। दीज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड इन द बोथ द सिस्टम। अब तुमको दोनों सिस्टम को तुम जब एक्सप्लेन करते हो तो नेक्स्टली ये मेरा डेफिनेट है। अब मेरा एग्जामिनेशन है, मुझसे पूछा था मैग्नेटो सिस्टम या मुझसे पूछा था है डायनेमो सिस्टम। अब मेरे पास में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। आइदर आई विल आस्क टू राइट द मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और आई विल आस्क टू राइट द डायनेमो अल्टरनेटर सिस्टम। अब दोनों में से मुझे कोई एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई हैव टू एक्सप्लेन द ऑल द थिंग्स, बेसिक डिटेल सेम है, all the basic details are same, only the there is difference in the diagram, so you have to draw the diagrams differently. yahan pe maine diagrams nahi include kiya to wo diagram mein include kar dunga, usko main update kar dunga aur tumko classroom mein main message bhi de dunga ki these are the topics which has been updated, please go through it. to ye ignition system magneto system ka ek diagram banana hai mujhe aur ek dynamo system, aur dono ek separate questions aa sakta hai ya fir सिर्फ स्पार्क इग्निशन सिस्टम का मुझे एक नोट्स जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्पार्क इग्निशन सिस्टम। तो मुझे यहाँ पर दोनों सिस्टम लिखना पड़ेगा, लेकिन मैग्नेटो डायनेमो दोनों का डायग्राम बनाना पड़ेगा और दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन समझाने का तरीका दोनों सेम है। ऑल द थिंग्स ऑफ एक्सप्लेनेशन नोट्स इज सेम, बट सर्टन पार्ट्स इज देयर एंड सर्टन पार्ट्स इज नॉट देयर।
अब देखते हैं, सो वी विल लुक दैट कि कैसे क्या है। हम देख रहे हैं यहाँ पे इग्निशन सिस्टम में है, इग्निशन स्विच कॉइल पैक जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ESCU दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंट्रोल यूनिट का जरूरत पड़ रहा है, जो कि आज की तारीख में हम लोग ये लगा चुके हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंट्रोल यूनिट है जो कि ESDI बोलते हो तुम लोग उसको। ये डिस्ट्रीब्यूशन इग्निशन सिस्टम हम लोग कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ESDI सिस्टम हम लोग बोलते हैं आज के तारीख में। फुल फॉर्म उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन सिस्टम है, तो वो एक हम लोगों का चल रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर चल रहा है, दैट इज मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पर काम कर रहे हो। ये चीज़ हम लोग का अभी ये एक नया सिस्टम आया है इलेक्ट्रॉनिक्स ESDI दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इग्निशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक ये है जो कि टाइमिंग्स सेंसर पे है, टाइमिंग डिस्ट इंचेस पे डिपेंड करेगा और स्पीड सेंसिंग और अल्टरनेटिव बैटरी पे करेगा काम। ये जो करेगा EDSI जो काम करेगा दैट विल वर्क ऑन द टाइमिंग ऑफ द सेंसर ऑफ द इंजन, दैट द टाइमिंग ऑफ द डिस्क जो डिस्क घूम रहा है मेरा उसके हिसाब से, और स्पीड को सेंस करके वो मेरा टाइमिंग्स को इग्निशन को रखेगा। That will be done. ये तीन मेथड आज के तारीख में चल रहा है, लेकिन आज के करंट तारीख में करंट मार्केट में करंट ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में दिस इज बीन यूज, ये हमारा आज के तारीख में चल रहा है। तो हम लोग तीनों सिस्टम के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, इन ऑल स्पार्क इंजन सिस्टम विच वर्क्स ऑन द गैसोलीन और आइदर टू स्ट्रोक्स और फोर स्ट्रोक्स, इट यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेशन एंड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। हम लोग जान रहे हैं जब हम लोग स्पार्क इग्निशन स्टार्ट ये यूज करेंगे तो ये दो चीज यूज करेगा, दैट इज कार्बोरेटर, मुझे कार्बोरेटर का जरूरत पड़ेगा और एक फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम का जरूरत पड़ेगा, मतलब जो कि फ्यूल को इंजेक्ट करेगा कार्बोरेशन के साथ फ्यूल को प्रॉपर मिक्स करके दे सके। द एयर फ्यूल मिक्सचर्स इग्निशन पर स्पार्क प्लग, और ये इससे होगा, मैं तो मिक्सचर बना लिया लेकिन ये फायर कब करेगा, जब इसका स्पार्क क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलेगा तभी ये फायरिंग हो पाएगा। तुम चाहे लीन बना लो, ठीक लीन बना लो, बीच बना लो, स्कॉटिक रेशो बना लो फ्यूल का, लेकिन जब तक स्पार्क प्लग नहीं मिलेगा तब ये किसी तरह का काम नहीं करेगा। इसलिए ये स्पार्क इग्निशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होना चाहिए। द टर्म स्पार्क इग्निशन मीन्स द ब्रीफ ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क टू प्रोड्यूस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का जंप होना जरूरी है, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स का जंप होना जरूरी है, और वो इसके मदद से किया जाएगा विद द सोर्स ऑफ बैटरी वेहिकल्स, जो बैटरी है उसके मदद से मैं ये इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाऊंगा इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे। जो करवाना होगा वो कैसे होता है, प्रेशर टेम्परेचर और हम जो वोल्टेज दे रहे थे उसके कारण से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है सिस्टम, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन इंजन, जो यहाँ पर कंप्रेशन में 16:1 या 25:1 कर रहे हैं, फ्यूल स्प्रे कर रहे हैं, टेम्परेचर के कारण से वो फ्यूल में आग पकड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पार्क प्लग में क्या है, उसको हाई वोल्टेज करंट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू सेकंड इलेक्ट्रोड उसके स्पार्क प्लग के बीच में जो गैप है छोटा सा स्पार्क दिया हुआ है, लाइटर में जैसे हम लोग मार रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स को उसमें जंप करवा के, दैट इज वी आर क्रिएटिंग वन इलेक्ट्रॉन्स टू जंप। तो हम लोग जैसे इसको कर रहे होते हैं तो ये एक बीच में गैपिंग देते हैं जो यहाँ पे है। तो फंक्शनल इग्निशन सिस्टम कैसे कर रहा है, द फंक्शन ऑफ द कॉइल इग्निशन सिस्टम जनरली यूज्ड टू मोटर व्हीकल एंड वी डिवाइड इनटू थ्री एरियाज। अगर मैं ध्यान से देखूंगा इग्निशन सिस्टम को तो मैं देखता हूँ कि कॉइल इग्निशन सिस्टम जो है उसको जो मोटर व्हीकल यूज करे उसको तीन सिस्टम है। पहला क्या है, पहला पार्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज बिटवीन द प्लग गैप्स। जो मैं हाई वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा मुझे स्पार्क प्लग का, जो मुझे स्पार्क प्लग के बीच में गैप जो है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन को जम करवाना है उसके लिए हाई वोल्टेज का नेसेसरी है, पहला पार्ट ये होगा मुझे डिजाइन करना। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूट द स्पार्क टू द ऑल द सिलेंडर्स इन प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर्स। अब ऐसा है कि मुझे इंजन नंबर 4 में फायरिंग करवाना है और स्पार्क जनरेट हो रहा है 1 में, तो ये वेस्ट हो गया मेरा, दैट इज वोल्टेज हैज बीन वेस्टेड। सो आई हैव टू पुट अ प्रॉपर टाइमिंग, जहाँ रिक्वायरमेंट है स्पार्क का उधर वो स्पार्क जाना चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे उसको जंप करना है उसी सिलेंडर में जाके स्पार्क में स्पार्क क्रिएट करे, ना कि कहीं मिस फायरिंग करे वो जाके। तो एक सेकंड ये है, और तीसरा पार्ट है वेरिंग द टाइमिंग एंड स्पार्क डिपेंडिंग वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशन, और उसको तुमको पूरा टाइमिंग बिठाना है। ये स्पार्क का जो हर एक
चीज सिलेंडर के साथ जो टाइमिंग बिठाना है वो हर एक साथ के साथ टाइमिंग बैठेगा, क्रैंक के साथ में बैठेगा, स्पीड के साथ, लोड के साथ, और जैसे इसी चीज को परफॉर्मेंस तुम्हारा देगा, यही तुम्हारा परफॉर्मेंस को लाएगा स्पार्क में। तो ये सब तीन चीजें पैरामीटर, मतलब अगर मैं स्पार्क जनरेट करना चाह रहा हूँ तो आई हैव टू लुक इनटू थ्री पैरामीटर्स। फर्स्ट कि मेरा एक हाई वोल्टेज चाहिए होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, सेकेंड पैरामीटर्स कि प्रॉपर टाइमिंग पे होना चाहिए, तीसरा और इन सभी कंपोनेंट्स के बीच, दैट इज क्रैंक के बीच में, फिर इंजन के ऑपरेटिंग के टाइम पे, इस तीनों के बीच में एक टाइमिंग बैठना चाहिए। अगर ये टाइमिंग में बैठा देता हूँ तो मैं परफेक्ट बोल सकता हूँ कि आई कैन क्रिएट द फायरिंग ऑर्डर ऑफ द इंजन। कैसे कैसे कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलरेशन है, मैं जानता हूँ कि बैटरी का जो होता है वोल्टेज होता है 12 से 24 वोल्ट, द बैटरी कैन गिव अस ए वोल्टेज ऑफ अराउंड 12 to 24 वोल्टेज। हम लोग एक बैटरी से 12 से 24 वोल्ट ले सकते हैं जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, और उसको हम लोग लो जो कि बहुत बहुत छोटा है एक स्पार्क को जनरेट करने के लिए। अगर इसके ये 12 to 24 के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत छोटा सा स्पार्क है जो कि शायद से काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए प्लग गैप का हम लोग स्पार्क प्लग का गैप को बहुत कम कर देते हैं, माइन्यूट कर, छोटा कर देते हैं। और जब हम लोग कंप्रेस करते हैं ना, जब कंप्रेशन चल रहा होता है तो स्प्रिंग जो है उसके करीब, इलेक्ट्रोड के करीब आ जाता है, और मतलब इस तरह से मान चलो कि मैग्नेट को तुम दोनों एक दूसरे के यूज में रख रहे हो तो मैग्नेट अफेक्ट नहीं आ रहा, जैसे मैग्नेट को थोड़ा सा और क्लोज लाया जाए तो स्पार्क एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड के जम होने के लिए वो कंडीशन हम लोग प्रिवेल करवाएंगे विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, जो प्लस और माइनस चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में गैप है, जब कंप्रेशन किया तो वो इलेक्ट्रोड दोनों के बीच में गैप कम होता जा रहा है, और वो एक ऐसे कंडीशन तक पहुंचना चाहिए, ऐसे कंडीशन की फिनोमेना में आना चाहिए जहाँ पे वो स्पार्क जम कर सके एक दूसरे से। मुझे लगता है चैट सेक्शन में कोई कुछ मैसेज कर रहा था, क्लास ओके। तो ये एक हम लोग रखते हैं इस गैप की वो जंप कर सके इलेक्ट्रॉन, जो वन इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन कम से कम जंप कर सके, लेकिन 12 से 24 वोल्ट में ये पॉसिबल नहीं होगा, दिस विल नॉट पॉसिबल टू डू विद 12 टू 24 वोल्ट इन आवर विद बैटरी जो हमें है उससे नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई नीड सम सिस्टम टू क्रिएट द अपलिफ्ट द वोल्टेज, और उसके लिए मैं क्या करूँगा, वी टू अपलिफ्ट दिस वोल्टेज वी विल यूज द हाई बैटरी को अपलिफ्ट करने के लिए, हम क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर में, क्या बोलते हैं एक डाउन, एक क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर का, एक अप ट्रांसफॉर्मर है, एक डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये अप ट्रांसफॉर्मर का स्टेप अप स्टेप डाउन, यस यस स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सिस्टम को हम लोग यूज करेंगे जिसमें प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल है, जिसमें कि हम लोग वोल्टेज को राइज करना चाह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग प्राइमरी सर्किट्स एंड कंप्लीटिंग सेकेंडरी वाइंडिंग इनिशन कॉइल, हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में हम लोग दोनों को इनिशिएट करते हैं इससे कि इसका वोल्टेज जो राइज होना चाहिए कितना तक का बीच में हो जाता है, 5000 to 20,000 वोल्ट तक हम लोग राइज करते हैं प्राइमरी को, मतलब 24 वोल्ट को ये 12 वोल्ट को हम लोग राइज करके कितना तक लेके जा रहे हैं, 5000 से 20,000 वोल्ट तक का, जो कि काफ़ी हाई वोल्टेज है। वी आर क्रिएटिंग हाई वोल्टेज एंड वी आर क्रिएटिंग एनर्जिंग वोल्टेज, एनर्जिंग मतलब स्पार्क के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन्स के छोटा सा पार्क जो कि जम कर रहा है फायरिंग वोल्टेज के रूप में, मतलब वो एक जैसे उसको एक जम करने के लिए हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, इतना वोल्टेज क्रिएट करते हैं, वो एक स्पार्क के रूप में होना चाहिए, मतलब एक छोटा सा लाइट इलेक्ट्रॉन जैसा जम करने जैसा होना चाहिए। दिस फायरिंग वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स टू जम फ्रॉम बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, हम इतना वोल्टेज क्रिएट करते हैं दोनों के बीच में कि वो जम कर जाता है इलेक्ट्रॉन्स इस कॉइल से इस कॉइल की तरफ, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो जम करेगा, जैसे कम जम करेगा उसके बीच में क्या गया है फ्यूल, इट इज सराउंडेड बाय फ्यूल, और जम करने के दौरान ही वो फ्यूल जो है आग पकड़ लेता है, एंड दिस क्रिएट्स द इग्निशन इन द फ्यूल सिस्टम, और ये फ्यूल हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट कर देता है। तो ये तुम्हारा रहेगा प्रिंसिपल, ये कंप्लीटली मैकेनिज्म ऑफ इग्निशन सिस्टम का। तो ये टॉपिक है तुम्हारा, इसमें मैं डायग्राम नहीं इंक्लूड किया है, आया है डन द मिस्टेक, मैं जो बोला था केवल में तुम्हें बोला था दिस इज द मिस्टेक आई हैव कमिटेड, कुछ इसमें गलती छूटा हुआ है जो कि मुझे पता करना था, तो ये क्या था, आई हैव नॉट इंक्लूडेड द डायग्राम्स, सो आई हैव टू इंक्लूड द डायग्राम इन दिस नोट्स एंड आई विल ट्राई टू अपडेट इन द क्लासरूम्स, मैं क्लासरूम में वो अपडेट कर देता हूँ, और अगर होता है तो नेक्स्ट क्लास कल है, हो सकता है कल ही मैं कल क्लास में जिसमें डायग्राम्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते, क्योंकि वो मुझे एग्जामिनेशन में विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आई हैव टू एक्सप्लेन द कम्प्लीट नोट्स, आई हैव टू explain my complete notes on the basis of diagram itself. अगर मैं डायग्राम में नहीं समझ बना पाऊंगा तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, तो समवेयर आई हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ माई डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग दिस
थियरी। सो ये टॉपिक्स यहाँ पे आज मैं विराम देता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा दैट इज दी कूलिंग सिस्टम। और मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कल हो सकता है ये टॉपिक कल तक ये कम्प्लीट ही हो जाए ये भी टॉपिक। और उसके बाद तुम्हारा लुब्रिकेशन सिस्टम रहेगा, लुब्रिकेशन सिस्टम है। और इसके बाद तुम्हारा ऑयल सिस्टम और फिल्ट्रेशन सिस्टम से भी है, वो सारा चीज़ हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। दिस विल बी यू मॉड्यूल टू भी तुम्हारा कम्प्लीट जाएगा। एंड आफ्टर मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू आई विल पुट एन असाइनमेंट ऑन द टॉपिक। जो वन एंड टू जो मॉड्यूल कम्प्लीट होने के बाद में मैं एक असाइनमेंट देना चाहूँगा। एंड विल बी इन एन ओपन फ्लिप क्लासरूम, एक हम लोग फ्लिप क्लासरूम में करते हैं। आई विल असाइन सम टॉपिक टू एवरीवन टू स्पीक आउट समथिंग ऑन दैट टॉपिक, क्योंकि सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट क्लास में हो। इसी के लिए मैं इस क्लास को फ्लिप करूँगा। आई विल बी लिसनर एंड यू विल बी पर्सन टू टॉक। मैं एक एक टॉपिक तुम लोग को दूंगा, जैसे कि मैं बोलूँगा कि आप मैकेनिकल सिस्टम में बोलिए, आप डायनेमो सिस्टम में बोलिए, कोई किसी को मैं कूलिंग सिस्टम पे दे दूंगा, किसी को मैं इंजेक्शन सिस्टम पे दे दूंगा, किसी को मैं कार्बोरेटर का फ्लिंसिंग पे दे दूंगा। तो आई विल गिव असाइन द डिफरेंट पर्सन डिफरेंट टॉपिक्स एंड आई वांट टू लिसन दैट हाउ मच दे हैव प्रिपेयर द टॉपिक। सो डेफिनेटली मैं एक दिन क्लास में म्यूट होना चाहूँगा एंड मैं बाकी बच्चों से सुनना चाहूँगा कि कितना वो पढ़ रहे हैं, ऑल द टॉपिक्स हाउ मच दे हैव ग्राफ्स अबाउट द टॉपिक मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू। उसके बाद हम आगे टॉपिक पर पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टू द थर्ड मॉड्यूल। For presently, we will conclude that one and two complete होने के बाद हम लोग को एक बार रिव्यून लेके देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो मैं अभी ज़्यादा क्लास नहीं लेना चाहूँगा, सो आई विल होल्ड द क्लास नाउ एंड विल मीट टुमारो। कल मेरा क्लास कितने बजे टाइम है? कल 12 बजे। सो कल 12 बजे मेरा क्लास रहेगा। हाँ, कल 12 बजे हम लोग मिलते हैं और हम लोग कूलिंग सिस्टम को देखते हैं। कल कूलिंग सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे और होप दैट कि कल कूलिंग सिस्टम भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम आगे मूव टॉपिक करते रहेंगे, ठीक है? आज जो हम लोग टॉपिक पढ़े उसमें किसी को कोई दिक्कत? हैव यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे? नो सर। ओके, जस्ट गो थ्रू द नोट्स वन टाइम। आई विल नॉट से दैट यू हैव टू रीड द ऑल द टाइम्स, जस्ट गो थ्रू द नोट्स फॉर वन टाइम, रीड इट एंड इफ यू फाइंड एनी करेक्शंस इन द नोट्स प्लीज सजेस्ट मी। ओके, राजीव कुमार पूर्वे नाउ ही इज गोइंग टू इंटर द क्लासरूम्स। और एक तुम लोग कल क्लासरूम में कुछ गूगल का क्लाउड और नेटवर्किंग का कुछ ये दिया गया था सेमिनार का, जो 27 से लेकर 31 तक है, राइट? हैव यू गॉन थ्रू दैट? यू हैव यू गॉन थ्रू दैट? वो ले उसको जाके देखे तुमने उसको? ये था क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड मास्टर क्लास, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग का है। दैट इज ऑल्सो सर, ये क्या है सर, थोड़ा इसके बारे में बताते हो सर? क्लाउड मीटिंग सर देखे थे सर कल? क्लाउड कंप्यूटिंग ये सभी चीजें हैं जो वास्ट चीजें हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी चीज है, इंट्रोडक्टरी है, मतलब ये चीजें आज की तारीख के लिए। अगर इंटरेस्ट होता है तो फर्दर इसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं टॉपिक को पढ़ने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग वही है, आज हमारे पास सारा काम कर रहे हैं तो ऑल द डेटा हैज बीन स्टोर्ड इन समवेयर, स्टोरेज में जा रहा है, मतलब हम लोग मेमोरी में या हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हैं। तो अब वो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग हर सब डाटा को हम लोग रिमोट में कहीं एक डेटा को स्टोर करें, दैट इज हम उसको छोड़ दे रहे हैं क्लाउड में या किसी रिमोट स्टोरेज में, और जब हमें जरूरत पड़ेगा तब उसको मैं रिस्टोर कर लूँगा उस डेटा को। तो मेरे पास कोई ये नहीं है, मेरे कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव नहीं हो रहा है। आई एम नॉट सेविंग एनीथिंग डेटा इन माई कंप्यूटर, ऑल द डेटा इज बीन सेव इन समवन्स अदर स्टोरेज, और के कंप्यूटर में स्टोरेज होगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का फिनोमेना है, दैट इज ऑल्सो गुड टॉपिक टू लर्न। हम लोग मैकेनिकल के हैं लेकिन ये आईटी का एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लो, अगर फ्री में मिल रहा है जाने के लिए तो पीछे मत करो। तो मैं बोलूंगा कि इसमें इन्वॉल्व कर दो, नेस्कॉम का है, नेस्कॉम का इन्वॉल्व। आल्सो साइन इन करने बोल रहा है सर उसमें कोर्स में। हां तो गूगल से करो, अकाउंट बनाने बोल रहा है, गूगल से करो, गूगल अकाउंट से तुम उसको ये करो, रजिस्टर करो, उसको करके सीखो, उसको तुम्हारे लिए एक अच्छा चीज़ है। ये चीज़ मैं भी रजिस्टर किया हूँ एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू सी द समथिंग न्यू टू लर्न इन दिस टॉपिक। क्लाउड कंप्यूटिंग का तुम्हारा अच्छा अभी ट्रेंड चल रहा है तो थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैकेनिकल में हम लोग जो प्रोग्रामिंग बनाएंगे या हो सकता है मैटलैब या किसी तरह से मैं प्रोग्रामिंग करूँगा, हो सकता है मुझे वो कहीं क्लाउड स्टोरेज का मुझे जरूरत पड़ जाए, क्लाउड स्टोरेज में उसको यूज़ कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट। तो नॉलेज गेन करने में कोई हर्ज नहीं है, लेट इट बी आईटी, लेट इट बी ईसी। मैं बोलता हूँ डिजिटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या दिक्कत है?
अगर डिजिटल कम्युनिकेशंस के बारे में, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के बारे में मैं हल्का सा नॉलेज ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा जानता हूँ कि मोबाइल का नेटवर्क जो किस तरह से काम करता है, मोबाइल नेटवर्किंग कैसे काम कर रहा है, एक नेटवर्क बॉर्डर पे एक दूसरे का सिग्नल कैसे रोमिंग हो जाता है, पहले रोमिंग नेटवर्क होता था सिस्टम, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रोमिंग कैसे चेंज होता था, उसका आपस में टावर का कैसे एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें मैंने सुनने मिला था, जानने मिला था मुझे। तो इस कुछ कुछ सेमिनार्स होते हैं, जैसे तुमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पढ़े थे यार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किए तुमने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किए तुमने, अभी सर ने एक और किए हैं वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑन कैटिया V5 305 एंड सॉलिडवर्क्स, ये भी पेड है सर। हाँ पेड है ये भी। हाँ सर, 3000 कुछ सर उसमें तो जैसे गूगल आईडी मेल आईडी डाले सर तो दिखा दिया कि टेक्नो इंडिया की तरफ से कुछ आया मैसेज, उसको ओके करने से दिखाया कि एक कोर्स कोई भी फ्री में, हम कोई भी सभी कोर्स जो पेड हो फ्री हो, हाँ कोर्सेरा का कोई भी एक कोर्स फ्री में हम कर सकते हैं टेक्नो इंडिया की तरफ से, स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है सर, स्पॉन्सर दिखा रहा है, और तुम उसको कर सकते हो सर। हम पाइथन फॉर एवरीबॉडी वाला ये कर लिए इन लोग, ओके दैट्स गुड। इसमें सर एडवांस कोर्स है, 5 कोर्सेज है सर, सब में 7-7 वीक का है, 5ों में। हाँ तो सर वही कर लिए सर। पाइथन भी अच्छा है, पाइथन भी अच्छा ऑप्शन है, अभी मैकेनिकल में काफी अच्छा चल रहा है पाइथन का, तो आई एम गोइंग टू सी, मैं मैटलैब खत्म करने के बाद पाइथन पे यहाँ आता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि मशीन लैंग्वेज पाइथन और मैटलैब, ये 3 चीज़ का मैं कॉम्बिनेशन करना चाहूँगा, वो डिजाइन से भी जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज है ही, लेकिन पाइथन मशीन लैंग्वेज और मैटलैब, ये 3 चीज़ को मैं एक कॉम्बिनेशन से बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को मैं नॉलेज मेरा आ चुका है, सो आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट, समथिंग न्यू स्किल्स मुझे आ जाएगा तो मैं शायद हो सकता है तीनों चीज़ को मिक्स करके एक नया चीज़ कंपोनेंट मैं तैयार कर सकूँ, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पेपर रिसर्च पेपर्स, इन टर्म्स ऑफ सम पब्लिकेशन, इन टर्म ऑफ सम प्रोजेक्ट, मैं उस पर काम कर सकता हूँ, तो इसी के लिए और लर्न करो, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है बहुत सारा, मैं तुमको फ्री कोर्स मिल रहा है पैथन का, तो सीख लो वहाँ से, ठीक है। और ये मुझे लगता है अगर ये पेड वर्जन दे रहा है कैटिया को और करी फ्री होगा, तो सोचा जा सकता है क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट को चॉइस है, तुम्हारे पास विकल्प आ रहे हैं तुम्हारे पास में, तो उस विकल्प में तुम कितना कौन सा चॉइस क्लिक करते हो, स्किलिंग में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है सर, क्या स्टूडेंट ही नहीं हो पा रहा है सर, मतलब जूनियर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, एक भी नहीं, मतलब जूनियर से कुछ करेगा नहीं, और अपना बैच में भी खत्म होगा मैक्सिमम 10-12 के आसपास जाएगा, और 30 स्टूडेंट का डिमांड कर रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट वॉज आवर सजेशन कि तुम्हारे पास ये सब विकल्प है, अब उसमें तुम कौन सा चॉइस करते हो दैट इज अप टू यू, लेकिन करना जरूरी है, एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम यू हैव टू ऑप्ट समथिंग, यू कैन नॉट बी प्लेन मैकेनिकल इंजीनियर, यू कैन नॉट बी एक प्लेन मैकेनिकल इंजीनियर, यू हैव टू बी समथिंग स्किलफुल इंजीनियर, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू समथिंग न्यू स्किल इन यू, यू हैव टू डेवलप समथिंग न्यू स्किल इन योरसेल्फ, अब क्या स्किल तुम डेवलप करते हो ये तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं बोला सर्वे करो, लिंक्डइन पे तुम सर्वे करो, मार्केट करने के लिए बोल रहा हूँ कि टॉक टू इंडस्ट्री पर्सन्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, सर्वे करो, अभी से करोगे तभी तुम जाके आगे जाके एक्ट कर पाओगे, जो लास्ट मोमेंट पे करोगे ना कहीं के नहीं रहोगे, अभी तुम्हारे पास 1 साल है, तुम्हारे पास टोटली 1 साल है, तुम लगे रहो, ट्राई टू क्रिएट ए लिंक अमंग योरसेल्फ, मैं कुछ अपने सीनियर्स के साथ मिलकर, अपने जूनियर्स के साथ मिलकर, मैं अपने बैचमेट्स के साथ मिलकर, इंडस्ट्री पर्सन के साथ कंसल्ट होकर कोशिश करता हूँ एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की, जिसमें कि मैं कुछ अपने नॉलेज को शेयर कर सके, नॉलेज को शेयर करके अपग्रेड कर सके, और हम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे तुमको पूरा, डिस्कस अबाउट दैट कि क्या चल रहा है, हम लोग आपस में डिस्कस करके कि हमारे मैकेनिकल के लिए आगे ग्रोथ के लिए क्या डिमांड है, हम लोग रिव्यू करके अपना सर्च करके उसको हम अपना ओपिनियन देंगे, अभी सबका ओपिनियन हो सकता है, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बोलूँगा बहुत बढ़िया है, मैं किसी ने बोला नहीं क्लाउड कंपनी का कोई फायदा नहीं, आईटी वाले को बहुत अच्छा सूट करता है, हमारे लिए नहीं है, कोई ये तर्क कर सकता है, डिपेंड, ये हम लोग डिस्कशंस करने के लिए फॉरम रहेगा, वी विल डू ए हेल्दी डिस्कशंस, और डेफिनेटली हम लोग फाइनल के बाद हम जब जाएंगे तो मैक्सिमम मेरे पास में
पांच छह सर्टिफिकेट्स होने चाहिए स्किल का, जब मैं बोल सकूं कि दिस आर द अचीवमेंट्स आई हैव डन इन माय एकेडमी की फोर ईयर एकेडमिक पीरियड। कोशिश शो करने कोशिश करो, तुम लिंक्डइन पे मनमोहन का जाके देखना, मनमोहन के लिंक्डइन पे जाके देखना, ही हैज क्रिएटेड गुड प्रोफाइल, सी दैट। द्विजराज पांडे, ही क्रिएटेड समथिंग मनमोहन से कम है, लेकिन मनमोहन ने अच्छा क्रिएट कर लिया अपना प्रोफाइल को, तुम एक बार चेक करो उसको प्रोफाइल को। वो आईटी में चला, वो आईटी जितना भी कोर्स करा है इज गोइंग फॉर आईटी सेक्टर, मैं एक चीज देख के बोल सकता हूँ, वो जितना अपने आपको तैयार किया वो आईटी सेक्टर के लिए तैयार कर लिया है। लेकिन तुम्हारे पास तो मैकेनिकल में रहते हुए कैसे तुम तैयार कर सकते हो, सीधा फाइंड द सोल्यूशन, ठीक है, एक बार चेक करो। और तुमको मैं मोटिवेट करता हूँ इस बात के लिए कि तुम लोग लिंक्डइन पे जाके एक बार अपने सारे सीनियर जितने भी तुमको कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट पर्सन मिल रहे हैं, टॉक विद देम, चैट विद देम, कम्युनिकेट विद देम कि क्या आखिर हो रहा है इंडस्ट्री में, मुझे क्या जरूरत पड़ रहा है, व्हाट आर द डिमांड्स, उसके हिसाब से मैं आपको रेडी करूँ, ठीक है। तो आई विल एंड द क्लास एंड वी विल मीट टुमारो 12 PM विद द न्यू टॉपिक कूलिंग सिस्टम, ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय।